वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ वो है अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू ऑफ सैमसंग गैलेक्सी A11। फ्रेंड्स, वैसे तो आज की डेट में ये फ़ोन जो है फेस आउट हो गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो कि सस्ता फ़ोन चाहते हैं। तो ऐसे फ़ोन जो हैं हमारे जो रूटीन में हैं, जब हमें थोड़ा सा लाइट रूटीन के लिए यूज़ करना होता है तो हमारे बहुत काम आते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी अनबॉक्सिंग करनी चाहिए। ये काफ़ी देर से मेरे पास पड़ा था लेकिन मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया था, तो अब जाके मैं इसका रिव्यू आपके सामने ला रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। तो चलें देखते हैं। फ़ोन को बॉक्स में से निकाल लिया है, अभी इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये इसमें एक छोटा सा बॉक्स मिला है। ये नॉर्मली सभी बॉक्स में होता है जिसमें कि मैनुअल बुकलेट होती है इसकी। तो ये इसका क्विक गाइड है, इसमें बताया गया है कि फ़ोन को किस तरह से आप इसमें सिम डाल सकते हो और बाकी छोटी मोटी चीज़ें इसकी बताई गई हैं। उसके बाद इसके साथ ये अडैप्टर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सैमसंग गैलेक्सी A11 के साथ इन्होंने फास्ट चार्जर दिया है और साथ में ये USB-C टाइप केबल है इसकी। फ्रेंड्स, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि इसका जो चार्जर है 15 वाट का है, अडेप्टेड फास्ट चार्जर है और इसके साथ ये हेडफोन्स हैं और साथ में पिन तो नॉर्मली सभी फ़ोन्स के साथ अवेलेबल होती ही है। तो ये एक्सेसरीज़ थी। अब फ़ोन की तरफ होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, ये पड़ा काफ़ी देर का हुआ था लेकिन हमने यूज़ नहीं किया था, तो अभी मैं इसको क्या कहते हैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने ही। अनबॉक्स किया हुआ था लेकिन यूज़ नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड इसकी और जो फ्रंट है इसका वो प्लास्टिक का बना हुआ है और थोड़ा जो इसकी बैक साइड है वो सॉफ्ट है, इतनी अच्छी हार्ड क्वालिटी की नहीं है। 3 कैमराज इसके दिए हुए हैं साथ में। फ़ोन का वेट जो है वो भी लाइट वेट का है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी सेटिंग जो है सारी कर लेते हैं। ये इसका वॉल्यूम का बटन है नीचे और ऊपर वाली साइड पे इसका पावर का बटन है। फिनिशिंग के हिसाब से तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है और हाथ में पकड़ा हुआ भी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्मली अगर आप जैसे छोटे मोटे कॉल्स करनी होती हैं या घर में लेडीज़ फ़ोन कॉल्स के लिए या थोड़ी बहुत ऐप्स देखने के लिए यूज़ करते हैं तो उन लोगों के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। बट हाँ, इसके कंपैरेटिवली अगर आपको गेम्स खेलने के लिए या कोई बड़े काम करने के लिए या क्लासेस लगाने के लिए फ़ोन चाहिए, उनके लिए ये फ़ोन नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इसकी पिक्चर क्वालिटी की तरफ आएं तो पिक्चर क्वालिटी फ्रेंड्स इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको पिक्चर क्लिक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी पिक्चर की क्वालिटी, देखिए कितनी अच्छी है, कितना क्लियर है ये और कितनी सही से सारा कुछ दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है। इसके फीचर्स जो हैं पिक्चर्स में, पिक्चर क्वालिटी के, वो काफ़ी अलग अलग दिए हुए हैं इन्होंने, 3-4 अलग अलग दिए हुए हैं। ओवरऑल इसका कैमरा जो है वो काफ़ी सही है। फ्रेंड्स, इसमें 3 कैमरास दिए हुए हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और एक फ्रंट कैमरा है। दूसरी तरफ इसकी बैटरी बैकअप पर जाएं तो अभी तो नया है तो 100 ही है, पर हाँ बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा है। यूज़ करने के बाद नॉर्मली 1.5 घंटे में ये फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है और हम 1 से 2 दिन, 1.5 दिन के लिए कह लो कि इसको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 2 सिम्स आप यूज़ कर सकते हो और 1 SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम बजट के अकॉर्डिंगली कहें तो बजट फ्रेंडली है ये फ़ोन, सस्ते में अच्छा मिल जाता है और अपना टाइम भी अच्छा निकल जाता है।
और सबसे प्लस पॉइंट इसका यही है कि इसके साथ फास्ट चार्जर जो है वो अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है नॉर्मल यूज़ करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।